हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। तो ये वीडियो बच्चों मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसके कारण इतनी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं थी और ना ही मैं उसमें इतने अच्छे से बोल पा रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो सबको पता है कैसी होती है अगर ऑनलाइन बनाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आपका चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर, और एक्सरसाइज हम इसमें देखेंगे 1.1। ठीक है, जो प्रश्नावली देखेंगे हम वो देखेंगे कौन सी 1.1। और इसमें से बच्चों आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपका क्वेश्चन एक आएगा, 3 नंबर का 100% आएगा, प्लस 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें जो मेनली है एक्सरसाइज आपकी 1.1 जो बेस्ड है पूरी, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है पूरी। अब क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? ठीक है, और अगर मैं इंग्लिश वालों के लिए, देखो इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को लेकर के चलूंगा, क्योंकि लास्ट में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, और जब भी मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी हाल ही में कराई थी 2022 के जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, कई बच्चों के कमेंट आए कि सर हिंदी में बताओ इंग्लिश में बताओ, तो बहुत कंफ्यूजन हो गई। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को साथ में लेकर चलूंगा। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? तो इसमें देखो, देख सकते हैं आप, ए इक्वल टू लिखा है पी इंटू क्यू प्लस आर, ये जो लिखा है आपका बॉक्स के अंदर, यही होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको आपने माइंड में सेट कर लेना है कि ए इक्वल टू पी इंटू क्यू प्लस आर। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो मेनली क्या होता है, आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से हो जानी चाहिए, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होता है तो आप अंदर जाकर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अगर मैं यहाँ ए की बात करूँ तो ए हिंदी बच्चे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ए हो जाता है भाज्य, पी हो जाएगा भाजक, क्यू हो जाएगा आपका भागफल, और जो आर रहेगा वो रहेगा शेषफल। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो इक्वल के हमारे लेफ्ट साइड में रहेगा डिवाइडेंट, प्लस इक्वल टू में जो रहेगा पी हो जाएगा आपका क्या डिवीजर, इंटू क्यू हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चंस, और आर हो जाएगा आपका रिमाइंडर। आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि ए इक्वल टू पी इंटू क्यू प्लस आर क्या है। हिंदी वाले बच्चे ये याद करेंगे भाज्य गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेष पर, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या याद करेंगे, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर। और ये देखो स्टेप बाय स्टेप चलता है, अभी हम मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा आप समझ जाएंगे, बट जो हमारा ये रहेगा ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, कब तक, जब तक आर आपका जो शेषफल है रिमाइंडर है क्या नहीं आ जाता, जीरो के इक्वल नहीं आ जाता। और जब आपका रिमाइंडर शेषफल जीरो आ जाता है, तब जो पी की जगह पर आपकी संख्या रहेगी, जो भी नंबर रहेगा इस पी की जगह पर, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हमें एससीएफ फाइंड करना है यूक्लिड थ्योरम का, सॉरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, एससीएफ फाइंड करना है। तो आ जाता हूं मैं बच्चों सीधा क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट नंबर है वो समझा देता हूं। उसी के साथ साथ आप ये पूरा समझ जाएंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो बेसिक पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर देख लेता हूं मैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है, इसमें देखो कहा है यूज एल, यहां पे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं बुक में, आई होप बच्चा आपको दिख रहा होगा। देखो इसमें लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एससीएफ ऑफ 135.225, फिर उसके बाद 196 एंड 3820, और लास्ट में आपका है 38220, और लास्ट जो आपका है 867 एंड 255। तो इसका आपने क्या निकालना है, एससीएफ फाइंड करना है, किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से। तो देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर 135 और 225, 135 एंड 225, 225। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका क्या, 135 एंड 225, 135 और 225, इसका क्या निकालना है आपने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, तो एल्गोरिथम का यूज करके आपके आपने क्या निकालना है, इसमें एससीएफ फाइंड करना है, एससीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमें ये देखना है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, विच नंबर इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 225 बड़ी है किससे, 135 से, 225 ग्रेटर देन 135। तो बच्चों पहला स्टेप आपने इतना करना है कि सबसे पहले बड़ी संख्या को देख लेना है, जब आप बड़ी संख्या ढूंढ लेंगे तो जो बड़ी संख्या रहेगी वो आपका आ जाएगा किसकी जगह पर, इस ए की जगह पर, यानी वो आपका हो जाएगा डिवाइडेंट भाज्य हो जाएगा, इक्वल टू जो छोटी संख्या रहेगी इसमें स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका आ जाएगा पी की जगह पर, पी आपका क्या है भाजक और डिवीजर। ठीक है, तो करते हैं देखो स्टेप फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो स्टेप फर्स्ट लिखेंगे हम। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या बोला, जो बड़ी संख्या होगी ठीक है तो आ जाएगा आपकी किसकी जगह पर, ए की जगह पर, यानी डिवाइडेंट की जगह पर, तो आ जाएगा 225 बराबर में आ जाएगा क्या, भाजक देखो कितना है 135, मैंने कहा जो छोटी संख्या हो जाएगी वो आ जाएगी किसकी जगह पर, इस पी की जगह पर। अब उसके बाद देखो क्या है, मल्टीप्लाई में भागफल, अब इसको देखो रफ जो काम आपने करना है वो पहले यहाँ कर लेते हैं, और यही रफ काम आप पहले करिए, उसके बाद फिर इसको फेयर में आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा।
अब ये आ गया आपकी कंडीशन, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 135 को डिवाइड मतलब 225 में डिवाइड देना है किससे, 135 से, यानी 135 का भाग देना है 225 में। और जब 135 का भाग 225 में करेंगे कितनी बार जाएगा, अब देखो इसको अगर आप मान लो नहीं पता चल रहा कि कितनी बार जाएगा, तो आप क्या करिए यहाँ 0 0 कर लीजिए, जैसे 135 को क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए, और इधर आप क्या कर लीजिए 200 कर लीजिए। तो अब यहाँ देखेंगे इसका कितनी बार जा रहा है, इसमें मैक्सिमम 2 बार जाएगा, ठीक है। देखो 100 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 20 से 20 कट लो। अगर और समझ में आए तो यहाँ पे देखो 1 और 2 बचा, यानी 1 का भाग कितनी बार पढ़ेंगे हम, पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, करते हैं हम कितना, 135 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 10, फिर उसको आ जाएगा 3 2 6, प्लस जो 1 रिमाइंडर था आ जाएगा कितना 7, और 2 1 2। अब यहाँ देखेंगे ये क्या हो गया बच्चों, ज़्यादा हो गया, यानी हमें कितनी बार करना है, 1 बार करना है। बट जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया वो जब बड़ी संख्या आएंगी, जब हम सेकंड नंबर करेंगे तब आप वो समझ जाएंगे इजिली, बट जब छोटी संख्या रहेंगी उनको आप डायरेक्ट करके देख सकते हैं। तो अब हम कितनी बार करेंगे, 1 बार, 135 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। फिर आपको पता है कि क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ देखेंगे 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 0, फिर यहाँ 2 में से 3 घटेगा नहीं, यानी 2 - 3 नहीं होगा, तो अब क्या ले लेंगे 1 यहाँ से कैरी लेंगे। तो जब यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, इधर हो जाएगा 12 - 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो आपके पास जो रिमाइंडर आ गया, अब यहाँ देखो 1 - 1 करेंगे 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 90। अब इस 135 को ले लेना है यहाँ पे 90 के सामने, तो आ जाएगा 135। अब यही चीज़ ऐसे स्टेप बाय स्टेप करनी है जब तक क्या आ जाए, रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। सबसे पहले आपने क्या किया, जो बड़ी संख्या थी उसको आपने किसकी जगह लिख लिया, डिवाइडेंट यानी ए की जगह पर लिखा, फिर जो आपकी छोटी संख्या थी उसको आपने किसकी जगह लिखा, पी की जगह पर, आपने उसको सॉल्व किया जो रिमाइंडर आया, फिर जो आपका ऊपर क्या था पी था वो आपका किसकी जगह पर आ गया, इस ए की जगह पर आ गया। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना बच्चों, ध्यान से देखते रहो और बने रहो वीडियो में, पूरा समझा दूंगा और एकदम से माइंड में सेट कर दूंगा। ये 3 नंबर आप कभी भी छोड़ करके नहीं आओगे, कभी भी आपका टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है या ईयरली होता है या हाफ ईयरली होता है। तो अब देखो 90 को डिवाइड देना, 90 का भाग पढ़ना है किसमें, 135 में, यानी 135 में भाग देना है किससे, 90 से। अगर 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 2 18 180 हो जाएगा, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार, तो आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना 90। फिर माइनस करेंगे 5 में 0 माइनस करेंगे आ जाएगा 5, 13 - 9 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यहाँ जो आपका रिमाइंडर आया उसके सामने अब क्या आ जाएगा, ये देखो 135 लिया था, 135 आ गया था यहाँ पे, अब 90 आ जाएगा कहाँ पे, इस 45 के सामने। तो अब फिर देखो 45 का टेबल कितनी बार पड़ेगी, 90 आ जाए, 45 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 45 × 2 करेंगे 90 आ जाएगा, शेषफल कितना आ गया 0। अब हमें रिमाइंडर ही 0 लाना होता है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहते हैं। सबसे पहले हमने 135 का भाग 225 में दिया, ठीक है, कितनी बार, 1 बार, 135 आया, शेषफल आपका 90 बचा। फिर जो आपका ऊपर क्या था भाजक था उसको हमने क्या बना दिया, यहाँ पे भाज्य बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 90 का पहाड़ा पढ़ा, 1 बार, आपका शेषफल कितना बचा 45। फिर यहाँ पे जो आपका क्या था भाजक था उसको हमने फिर यहाँ भाज्य बना दिया, 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 45 × 90, शेषफल आ गया आपका 0। अब इसी को हमने कितने स्टेप में किया, देखो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, और तीसरा स्टेप ये। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके कर देनी है। सबसे पहले 225 अंदर था, 135 बाहर, कितनी बार गुणा किया हमने, यानी 135 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ा, कितनी बार हमने टेबल उसका रीड किया, 1 टाइम आ जाएगा इंटू 1, प्लस रिमाइंडर आपका कितना आ गया था 90। ये क्या है, इस नॉट इक्वल टू किसके है, 0 के। जब लास्ट में हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टेप सेकंड देखते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं चरण 2। तो स्टेप सेकंड आ जाएगा आपका, अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 135। देखो 225 यहाँ पे अंदर था, ठीक है, अब अगले वाले स्टेप में देखो 135 अंदर चलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 225 की जगह आ गया 135 इंटू, और इस यहाँ पे देखो 135 की जगह कितना आ गया, यहाँ पे 90 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 गुणा, अब 90 का पहाड़ा आपने कितनी बार पढ़ा, 1 बार, प्लस यहाँ पे अब आपका रिमाइंडर कितना आया 45। ये क्या इक्वल टू है 0 के, शेषफल यहाँ पे रिमाइंडर देखो अभी 0 नहीं आया। तो दो स्टेप कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में देखो अब यहाँ 135 यहाँ पे आया, अब यहाँ जो ये 90 है वो आ जाएगा कहाँ पे, इस 135 की जगह पे। फिर यहाँ देखो क्या आ गया था रिमाइंडर आपका 45 इंटू, ऑफ 45 का टेबल आपने कितनी बार ऐड किया, 2 टाइम, तो आ जाएगा 45 × 2, प्लस शेषफल कितना बचा आपका 0। अब ये आ गया किसके इक्वल टू, 0 के इक्वल टू। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे बड़ी संख्या देखी, दोनों में से बड़ी संख्या को हमने कहाँ लिखा, इस ए की जगह पर। उसके बाद फिर हमने क्या लिखा, पी आ गया आपका छोटी संख्या, उसके बाद आपने 135 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 1 बार, प्लस जो शेष बचा उसको आपने लिख लिया। फिर अगले स्टेप में जो 135 था वो आपका क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, डिवाइडेंट बन जाएगा। उसके बाद जो आपका रिमाइंडर था यहाँ पे पिछले वाले स्टेप में, वही आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा बच्चों, आपका
भाजक बन जाएगा, क्या भाजक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है, डिवाइजर बन जाएगा। उसके बाद इंटू वन प्लस जो रिमाइंडर आ गया 45, वो अगले स्टेप में आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और जो आपका यहाँ पे था डिवाइजर वो आपका क्या बन जाएगा, इधर डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपका लास्ट में आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पे जो इस जगह पर रहेगा इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं। तो जो आपका लास्ट डिविजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एस एफ इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 45। आई होप बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अभी नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर डाउट रहेगा होगा तो अब जब अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर, उसमें आपका जो डाउट रह जाएगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर। इसमें जो ये क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि इसमें जो होता है कि आपका एसएफ आता ही नहीं है जल्दी, बच्चे डिवाइड करते रहते हैं बट आंसर नहीं आता है। क्वेश्चन में जो आपको नंबर दे रखे हैं वो है आपका 196 एंड 196 और 38,220, 196 एंड 38,220। अब सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो बड़ी संख्या है उसको आपने लिख लेनी है, ठीक है। तो 38,220 बड़ी है किससे, 196 से। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप फर्स्ट। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि किसको कहाँ पे लिखना है, एक ही जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा, जो बड़ी संख्या है यानी 38,220 इक्वल टू पी की जगह पर क्या आएगा, जो आपकी छोटी संख्या है, स्मॉल नंबर है, 196 मल्टीप्लाई। अब इसके बाद का जो काम है हम रफ वर्क देखेंगे और देखेंगे कितने स्टेप में इसका आंसर जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 196 डिवाइडेड, सॉरी इसमें डिवाइड देना है किसका, किसमें डिवाइड देना है, 38,220 में, 38,220 में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 38,220 को भाग देना है किससे, 196 से। तो देखते हैं इसका भाग, तो यहाँ देखो तीन अंक हैं और यहाँ पर भी हमने कितने अंक लेने हैं, तीन ही अंक लेने हैं। देखेंगे 196 का डिवाइड करेंगे किसमें, 382 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अगर हम दो बार करेंगे तो यहाँ चेक कर लेते हैं दो बार करके, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे कि सर दो बार क्यों नहीं करेंगे, तो दो बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो दो बार करके देखते हैं, 6 दुनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 दुनी 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ रहा बच्चों, 392। बट ये आपके पास है कितना, यहाँ पे 382 है। तो यहाँ पे हम कितनी बार करेंगे, वन टाइम करेंगे, तो वन टाइम करने पे आपका कितना आ जाएगा, 196, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिमाइंडर निकाल लो, शेषफल निकाल लो, कैसे करेंगे, यहाँ देखो दो है, दो में से 6 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वन यहाँ से कैरी लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से हम एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 6 करेंगे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 6, यहाँ पे आपका कितना आ गया, 7, इस 8 से हमने एक इधर ले लिया, यहाँ पे बचा 7, फिर यहाँ से हम एक आगे वाले से लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर 17 माइनस करेंगे 9, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 17 माइनस 9 करेंगे हो जाएगा कितना आपका, 8, पक्का 8 ही होगा, देख लो एक बार चेक कर लो, 17 माइनस 9 करने पे कितना आ जाएगा, 1 इधर और 7 उधर 8। अब यहाँ देखो आपका कितना रिमाइंडर था, 2 माइनस 1 करेंगे आ जाएगा 1, ठीक होगा। उसके बाद फिर अब यहाँ देखो, यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तीन अंक क्या हैं, तो आप देखो 196 माइनस 196 का भाग 186 में जाएगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है इससे, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से एक अंक ले लेंगे, ऊपर से एक डिजिट यहाँ नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखो 196 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 1862। तो अब देखो, अब हमें नहीं पता कि कितनी बार इसका भाग इसमें जाएगा, कि कितनी बार हम टेबल पढ़ें, रीड करें 196 की, तो क्या करेंगे, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मेथड बताया था। अब यहाँ देखो 196 किसके नियरेस्ट है, 200 के नियरेस्ट है, यानी 196 किसके आसपास है, 200 के पास है, तो इसको हम 200 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका 1862 है, तो 1862 आप किसके आसपास लिख सकते हैं, या तो आप इसको 1800 लिख लो, या फिर क्या लिख लो, पूरा 1900 लिख लो, यानी या तो आप 1800 लिख लो या फिर 1900 लिख लो। अब यहाँ देखो, अगर हम 2 यहाँ से 20 से 20 कट कर दे, आपका क्या रह जाएगा, 2 और 19। तो आप अब इजीली बता सकते हैं कि 2 का टेबल हम कितनी बार रीड करेंगे, 2 2 18 कितनी बार करेंगे, 9 टाइम करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा आपका, 1 यहाँ से, फिर भी रिमाइंडर बच जाएगा। अब यहाँ से ये पता चल गया कि आपको कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, 9 बार, तो अब 196 का पहाड़ा 9 बार आप रफ करके देख लीजिए, ठीक है। मेनली है कि ये निकालना, कई बच्चे कई बार मतलब कई 7 बार 7 से करेंगे, 6 से करेंगे, फिर 8 से, फिर 11 से, तो उसमें बहुत टाइम आपका लग जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपको कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है। तो कर लो इसको सॉल्व, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इतना तो आता ही होगा पहाड़ा करना, तो मैं सीधा हिंदी में फटाफट कर देता हूँ। 6 नम 54 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 नम 81 और 5 हो जाएगा बच्चों कितना, 86 86 का 6 हासिल लगा 8, और फिर 9 एकम 9 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 17 ही होगा, 9 एकम 9 9 में अगर हम 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 17। तो आपका जो 196 इंटू 9 करके आया कितना आ गया, 1764
फोर देख लो, अगर हम एक बार भी ज़्यादा करते तो उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, अगर 10 बार करते हो तो ये आपका ज़्यादा चले जाता। ठीक हो गया, 1960 आता है अगर हम कितनी बार करते हैं, 10 बार करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ देखो 2 माइनस 4 होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 यहाँ से कैरी लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। जब यहाँ से एक हासिल ले लेंगे तो यहाँ पे 12 12 माइनस 4 करेंगे बच्चों, कितना बचेगा आपके पास, 8। अब यहाँ पे देखो जब एक यहाँ से इधर ले गए तो यहाँ पे बचा 5, फिर यहाँ से हम एक ले लेंगे 8 से, तो 8 से जब एक लेंगे यहाँ पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। 15 माइनस 6 करेंगे बच्चों, कितना बचेगा, 9। 15 माइनस 6 यानी 15 माइनस 6 आपका जब करेंगे कितना आ जाएगा, आपका रिमाइंडर 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 7। 7 माइनस 7 करेंगे 0। अब ये भी 1 माइनस 1 करेंगे, 0 हो जाएगा। अब ऊपर आपके पास एक डिजिट रह गया था 0, यानी एक अंक रह गया था 0, उसको आप ऐसे नोट कर लो। अब फिर से वही चीज़ देखो, 196 को डिवाइड करना है किसमें, 980 में, तो अब देख लो कितनी बार जाएगा। अब ये 196 आपका किसके नियरेस्ट है, 200 के नियरेस्ट है, और 980 किसके नियरेस्ट है आपका, 1000 के, ठीक है। इतना तो आपको पता चल रहा है कि 980 1000 के पास है, और 196 किसके पास है, 200 के पास है। तो फिर यहाँ से 2 0 से 2 0 कट कर दो, कितना बच रहा है आपके पास, 2 और 10। अब यहाँ से आप 2 देखेंगे, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल कितनी बार रीड करेंगे, 5 बार, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि हमें इसका 196 का टेबल कितनी बार रीड करना है, 5 टाइम। तो देख लेते हैं इसको करके रफ, तो 196 × 5, 5 6 23 का 0 हासिल लगा, 3 5 5 9 कितना हो जाएगा, 5 9 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48 हासिल लगा, 4 5 1 5 और 4 9 आ गया आपका कितना, 980। तो शेषफल आ गया कितना आपका, रिमाइंडर 0। अब ये देखो एक ही स्टेप में आपका पूरा आंसर आ गया है, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या थी, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या थी तो इसको हम धीरे धीरे छोटे छोटे सॉल्व करते हो गए, और लास्ट में आपका एक ही स्टेप में क्या आ गया, आंसर आ गया 0, कितनी बार, 195 बार। अब इसको हम लिखते हैं स्टेप में, देखो 38220 आ गया आपका क्या, ए, जो आपकी बड़ी संख्या रहती है उसको हम ए की जगह पर लिखते हैं, जो आपकी छोटी संख्या क्वेश्चन में दी रहती है उसको हम पी की जगह पर रखते हैं। फिर हमने 196 का टेबल कितनी बार रीड किया, तो हमने रीड किया 195 टाइम, रिमाइंडर आपका कितना आया, 0। क्या ये 0 के इक्वल है, तो हाँ, क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपका एक ही स्टेप में क्या आ गया, 0। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था जो आपका इस पी की जगह पे रहेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, तो इस पी की जगह पे कितना है बच्चों, 196 है। तो इस तरह से आपका एस एफ जो निकल के आ गया कितना आ गया, 196 निकल के आ गया। आई होप बच्चों आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे, और किस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो वो मेथड भी आप सीख गए होंगे। तो ये हो गया आपका बच्चों फर्स्ट का सेकेंड नंबर। अब देखते हैं नंबर थर्ड। थर्ड नंबर में बच्चों जो आपको संख्याएं दे रखी है, नंबर्स गिवन है, वो है आपका 8 6 7 and 2 2 5, 255, 867 और 255। और कई बार बच्चे यही गलती करते हैं 255 को लिखने में, 255 को कई मतलब 40% बच्चे क्या कर देते हैं, 255 को 225 लिख देते हैं, 2 5 2 2 5 लिख देते हैं, 255 की जगह। तो अब इसको भी देखो, सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन सी स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है। तो 167 ग्रेटर है किससे, 255 से, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप फर्स्ट सीधे आ जाओ, पहला स्टेप तो आप लिखना है ए की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, 867। आई होप बच्चों आप ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद पी की जगह पे क्या आएगा, 255। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, रफ करना है। तो चलते हैं हम रफ की तरफ, 255 इसमें डिवाइड देना है किससे, सॉरी 867 में डिवाइड देना है आपका किससे, 255 से। तो अब यहाँ देख लो इजली आप कैसे निकाल सकते हैं कि किससे कितनी बार टेबल रीड करना है हमने 255 का, तो मैंने बता दिया आपको। तो ये देख लो 255 किसके नियरेस्ट है, इसको आप चाहे 200 ले लो चाहे 300 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। 867 किसके नियरेस्ट है, तो आप देखेंगे 900 के नियरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो 20 से 20 कट हो जाएंगे, तो यहाँ देखो 2 और 9 रह जाएगा आपका। 2 का टेबल कितने बार आप रीड करेंगे, इजिली बता सकते हैं कितने टाइम, 4 टाइम, 4 2 8, फिर भी आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 255 का टेबल कितनी बार आपने रीड करना है, कितनी बार 255 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 बार। तो यहाँ से अलग से करके देख लेते हैं, 255 × 4, हिंदी में कर देता हूँ फटाफट, गुणा 5 को 20 हासिल लगा, 2 5 को 20 और 2 22, फिर 2 बचा, 4 2 8 और 2 10, ठीक है। क्या पता चला यहाँ से कि ये हो रहा है ज़्यादा, यानी हम उसके नियरेस्ट ही पहुँचे हैं, कहीं ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे। तो हम 4 की जगह क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्या होता है कि हम पहले 1 से करते हैं 2 से करते हैं 3 से देखते हैं, तो ज़्यादा टाइम लगता है। इससे हमें क्या पता चल जाता है, अंदाज़ा पता चल जाता है कि हम किसके मतलब उसके नियरेस्ट ही पहुँचते हैं। तो अब कर लो, 5 3 15 15 का 5 हासिल लगा, 1 5 3 15 और 1 16, फिर 3 2 6 और 1 7, तो आपका कितना आ रहा है, अब 765, जो किससे कम है, 867 से कम है, लेस देन है किससे, 867 से। फिर माइनस कर लो, 7 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 2, 6 माइनस 6 करेंगे 0, और 8 माइनस 7 करेंगे आ जाएगा 102।
टू। तो यहाँ से 255 में आपने यहाँ जितनी संख्या अंक थे आपने सभी में भाग दे दिया, बट पिछले वाले क्वेश्चन में वो कंडीशन नहीं थी कि आपने पहले तीन में किया उसके बाद भी आपके पास और डिजिट रह गए थे, तो इसलिए हमने एक स्टेप में उसको पूरा खत्म कर दिया था और वो एक स्टेप में खत्म हो गया था। बट यहाँ देखो आपका रिमाइंडर आ गया 102। अब जो आपका ये है वो आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे जो 867 था वहाँ पे आपके आ जाएगा 255। यही हमारा स्टेप सेकंड काउंट हो जाता है यहाँ से। अब फिर से 102 का टेबल हम कितनी बार रीड करेंगे, 2 टाइम। ये तो आप देख के बता सकते हैं कि 102 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 204। तो यहाँ से आ जाएगा 204। फिर से आप कर लो इसको माइनस, 5 माइनस 4 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ से 5 माइनस 0 करेंगे आ जाएगा 5, और यहाँ देखो 2 माइनस 2 करेंगे आ जाएगा 0। फिर यहाँ से देखो 51 आपका रिमाइंडर आ गया, अभी भी आपका 0 रिमाइंडर नहीं आया। तो हमने क्या सीखा है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, 0 को इक्वल नहीं आता, तब तक हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 102। फिर अब 51 का टेबल हम कितनी बार रीड करेंगे, 2 टाइम, तो आ जाएगा 102। आप करके देख लो रफ वर्क, यहाँ देखो 51 गुणा 2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 102 आ गया कितनी बार, 2 बार पहाड़ा पड़ने पे। फिर माइनस करेंगे देखो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो स्टेप काउंट कर लो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये जो आपका क्वेश्चन था कितने स्टेप में सॉल्व हो गया, 3 स्टेप में। तो यहाँ से लिख लो, स्टेप फर्स्ट आपने लिखा, स्टेप फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा 867, 255, 255 का पहाड़ा आपने कितनी बार पढ़ा, 4 बार की 3 बार, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 3 प्लस आपका जो रिमाइंडर आया 102, जो शेषफल आया वो आ गया 102, इज नॉट इक्वल टू 0। स्टेप सेकंड, ठीक है, यानी चरण 2, स्टेप सेकंड आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो 867 की जगह क्या आ गया 255। यहाँ देखेंगे देखो 867 यहाँ था अंदर ब्रैकेट में और आगे क्या आ गया 255 बराबर। अब जहाँ पे 255 था वहाँ क्या आ गया 102। अब फिर 102 का पहाड़ा हमने कितनी बार रीड किया, 2 बार पढ़ा, प्लस शेषफल कितना आया 51। ये भी अभी किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में आपका क्या आ जाएगा, देखो 102 था, देखो यहाँ 255 जो था आपके किसकी जगह पर, इस P की जगह पर, वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया आपका, A बन गया। ऐसे 102 जो आपका P है नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 102 इंटू जो आपका रिमाइंडर था वो बन जाएगा आपका क्या, P इंटू। अब 51 का टेबल कितनी बार आपने रीड किया, 2 टाइम, प्लस सेस क्या आया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 0। मैंने क्या कहा, जो P की जगह पर रहेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी SF आ गया कितना आपका 51। तो आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी समझ गए होंगे, और एग्जाम में अब अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल भी उसको छोड़ करके नहीं आओगे। तो इसके बाद जो बच्चों इस एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये लगभग आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं और आज तक ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आए नहीं है, 2009 या 2010 में लास्ट आए थे, उसके बाद से आए नहीं है। तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बताऊंगा और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है वो भी आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहले मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ देता हूँ, इसमें कहा है और बाकी स्क्रीन पर भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। कहा है इसमें, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अब मैं बच्चों पढ़ देता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन। इसमें कहा है, एन आर्मी कॉन्टिंगेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इसमें बच्चों आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन आपने इतना लंबा पढ़ा, बट इसका जो आंसर आएगा सीधा सीधा यूक्लिड थ्योरम का यूज करना है, यूक्लिड विभाजन डिवीजन मेथड का यूज करके आपने क्या करना है, सीधा सीधा आपने आंसर बता देना है। तो आप यहाँ से सिर्फ कुछ नहीं करो, क्वेश्चन नंबर लिखो आप थर्ड, और आपको जो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर दे रखे हैं, उनको वहाँ से उठा लो। तो आपका जो दो नंबर है आपका, एक तो है 606 एंड जो दूसरा नंबर है आपका कितना है 32, ठीक है। ये दो संख्याएं आपको मिल गई, यानी 616 और 32 आपको दो संख्या मिल गई। अब इनको आप इसी मेथड से करना है जो मैं अभी आपको सिखा रहा था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट कर लो, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 616, यानी यहाँ पे लिख लो 616 बड़ा है 32 से, तो 616 बराबर 32। अब 32 का पहाड़ा, अब ये तो आप सीख गए होंगे कि हमने कैसे पढ़ना, तो 32 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार, 19 बार, प्लस आ जाएगा आपका शेषफल कितना 8। ये अभी किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे 616 की जगह क्या आ जाएगा 32, 32 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जो शेषफल बचा था वो 8। अब 8 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ेंगे, देखो 8 चौक 32 और शेषफल क्या आ जाएगा 0, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या 0। तो इस तरह से जो आपका SCF आ गया कितना आ गया 8। तो इस क्वेश्चन में आपको SCF ही निकालना था,
तो SF आ गया कितना 8। तो इसको मैंने बच्चों इसलिए यहाँ पे डिटेल से नहीं किया क्योंकि मैं आपको ये पहले इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब आपको ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक हो गया बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यही आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके सिलेबस से हो चुके हैं आउट, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से घर से करने के लिए देता हूँ। घर से क्या, सभी आप अभी घर पर बैठ के शायद वीडियो देख रहे होंगे, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप करिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी बता देना। रफ कॉपी, आई होप जब आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपने रफ कॉपी अपने पास रखी होगी और उसी में आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ होमवर्क करके, और कमेंट बॉक्स में इसका जो जल्दी आंसर बताएगा वही टॉपर होगा इस ईयर का, ठीक है, जिस ईयर में आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो होमवर्क है आपका, इसका आपने SF फाइंड करना है। नंबर आपको दे दे रहा हूँ 4052, कहीं से आपने चीटिंग नहीं करनी है, एंड 12576, 12576। इसका आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड SCF, फाइंड SCF बाई युग्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम। युग्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके SCF ज्ञात कीजिए किसका, 4052 और 12576 का। तो ये होगी बच्चों एक्सरसाइज आपकी 1.1 कंप्लीट। इसके अलावा बाकी सारी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, और देखिए आप मेरे चैनल पर जुड़िए। अगर कहीं पे भी आपको किसी वीडियो में डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बस एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में और तुरंत मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। चाहे मैं कैसे भी दूँ बट आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।